A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल Love You Chemistry and myself RK Rajput. So guys, आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आए हैं और वो है आपका यूपी पीजीटी केमिस्ट्री. तो जैसा कि आप जानते हैं नेक्स्ट मंथ तक यूपी पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो आ जाएगी. तो हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूएशन बनाए रखना है. तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस. यहाँ पे जो हम केमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट होगा आपका PGTO मींस PGT ऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज PGT P दैट इज PGT फिजिकल एंड लास्ट वन इज PGT इन ऑर्गेनिक. तो ये तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और इन तीनों पार्ट को हम साथ साथ लेके चलेंगे. वैसे आपको अगर मैं बताऊं थोड़ा कि जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे PGT में वो 125 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होता है. ठीक है ना, ईच क्वेश्चन कितने का होता है, 3.4 मार्क्स का होता है. तो ऐसे मिला के टोटल 450 मार्क्स का टोटल पेपर होता है. कितने मार्क्स का होता है, 450 का. ठीक है ना, और प्लस अदर इंटरव्यू वगैरह होता है और फिर वो कोड वगैरह जो भी है. तो टोटल जो हम रिटन जो टेस्ट की बात कर रहे हैं वो 450 मार्क्स का होता है. ओके, सो इसमें अगर हम 125 में से 100 प्लस कर लेते हैं या 110 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन होने की संभावना रहती है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 125 क्वेश्चन का ही टारगेट रख के चलना है. जब हम पूरा टारगेट रख के चलेंगे तभी हम कुछ 115 के अराउंड क्वेश्चन कर पाएंगे. अगर हमने इतना क्वेश्चन कर लिया तो हमारा सिलेक्शन पक्का है. ओके ओके, सो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए और हमें जो सब जो भी हमें पढ़ना है वो सब हमें स्ट्रेटजिकल तरीके से पढ़ना है. मीन्स हमें स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है. कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी बनाए बिना हमें नहीं पढ़ना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो अभी आपके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है. यही 3 से 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 मंथ आप मान के चल सकते हो. ठीक है ना, इतना टाइम आपके हम मान के चल रहे हैं 3 से 4 मंथ. ठीक है ना, 3 से 4 मंथ का टाइम बचा है और इसमें हमें पूरा केमिस्ट्री खत्म करना है. ठीक है ना, और यहाँ पे जो हमें केमिस्ट्री पढ़ना है वो 12th लेवल से लेके MSc लेवल तक और आगे भी एडवांस लेवल तक हमें पढ़ना है. मीन्स हमें बेसिक टू एडवांस सभी टॉपिक पढ़ने हैं. ठीक है ना, बेसिक टू एडवांस पढ़ना है और एक एक टॉपिक को हम क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा मेथड क्या होगा, हम एक एक टॉपिक का पहले थ्योरी क्लियर करेंगे. ठीक है ना, जो एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे उसका थ्योरी क्लियर करेंगे और उसके तुरंत बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है ना, और क्वेश्चंस हम जो यहाँ पे करेंगे वो हम IIT के क्वेश्चन भी करेंगे और हम प्रीवियस ईयर के जो यूपी के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि UPPSC हो गया, UPPCS प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गए और आपका UPPGT वगैरह, ये सब क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है ना, मीन्स क्वेश्चन हमें यहाँ पे बहुत सारे करने हैं. ओके, तो अगर आप देखो CBC स्ट्रेटजी ये है कि हमें सबसे पहले थ्योरी क्लियर, थ्योरी में हमें बहुत ही अच्छा बनना है. मीन्स हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलना है, थोड़ा सा भी एक भी कंसेप्ट हमें नहीं छोड़ना है. हाँ, और सबसे बड़ी बात कि आपको इस सीरीज में कंप्लीटली एक्टिव रहना है, हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहना है. कभी भी एक्टिव टू पैसिव, पैसिव फॉर्म में आपको कभी नहीं जाना है. ठीक है ना, आपको हमेशा एक्टिव रहना है. एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा जो भी डाउट होगा वो डाउट आपको शेयर करने हैं. आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आपको आंसर 100% मिलेगा. ठीक है ना, तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है इस सीरीज में. अगर कहीं पे आप एक्टिव नहीं रहे तो हमारा भी मोटिवेशन कम हो जाता है. ठीक है, तो हम इन तीन पार्ट में केमिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं, PGTO, PGTP एंड PGTI. ओके, वैसे तो माना जाता है कि इन तीनों का बराबर बराबर वेटेज आता है. लगभग 41 क्वेश्चंस इससे आते हैं, 41 क्वेश्चंस इससे आते हैं, 41 क्वेश्चंस ये माना जाता है. लेकिन देखा क्या गया है कि मोस्टली वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो बहुत ज्यादा घुसता है फिजिकल कभी कभी. क्योंकि अगर हम देखें एक वे में तो यही आपका केमिस्ट्री में आता है. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा वहां पे डेरिवेशन बेस हो जाता है या हम कहें थोड़ा न्यूमेरिकल बेस हो जाता है, आता है यहां से भी. और जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये नहीं कि बहुत ही सिंपल लेवल के आते हैं या क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा ट्रिकी, बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल के आते हैं. क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं ट्रिकी और बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं. देखो किसी भी एग्जाम को
किसी भी एग्जाम को जब बनाया जाता है उसमें हमेशा तीन टाइप के क्वेश्चन रखे जाते हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चन रखे जाते हैं, बेसिक मतलब जनरल सिंपल क्वेश्चन रखे जाते हैं, दूसरे मॉडरेट, एंड जो थर्ड रखे जाते हैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे रखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक ही जिन्होंने पढ़ा है, मींस उनके लिए बेसिक ही सब कुछ है, ठीक है ना, वो बेसिक, वो उन्हें भी ऐसा ना लगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई लेवल वाले जिन्होंने अच्छी तैयारी करके, उन्हें भी ऐसा ना लगे भाई कुछ नहीं आ रहा है पेपर में, ठीक है ना। और मॉडरेट सबके लिए होते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, ठीक है ना। चलो अब हम आ जाते हैं अपना सेल्फ। तो जैसा कि मैंने सिलेबस तो पहले अपलोड कर दिया था, पहले की वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी वहां पे हमने सिलेबस अपलोड कर दिया था, और आई होप कि सबने सिलेबस देखा भी होगा। वैसे हम सब कुछ सिलेबस के अनुसार ही करेंगे यहाँ पे, ओके। तो इसमें हम सबसे पहले जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं PGTO, मीन्स PGT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम यहाँ पे बेंच स्टार्ट करने वाले हैं पहले, तो हम देख लेते हैं थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे GOC, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, GOC। GOC इज कॉल्ड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं कहता हूं इसे गेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मींस जो आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जनरली गेम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मींस अगर आपको जीओसी बहुत अच्छे से आ गया, आपने जीओसी अच्छे से क्लियर कर ली, तो आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, किसी भी मैकेनिज्म में कभी भी मार नहीं खाओगे, आप बहुत अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस करोगे। तो इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, ठीक है। आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेम ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हो, ठीक है ना। गेम ऑफ केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री का गेम ही एक टाइप से, मैं इसे ऐसे ही कहता हूं, ठीक है। यानी कि यहां पे हम पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स यहां पे केमिस्ट्री का टोटल बेसिक होगा, ओके। और जो हम यहां पे लेकर लेके चलेंगे वो पूरे बेसिक लेवल से, बेसिक लेवल से मीन्स स्क्रैच से लेके चलेंगे और हायर लेवल तक लेके जाएंगे। बहुत अच्छा जीओसी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जीओसी के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो जी, क्योंकि UPPGT का एग्जाम है तो यहाँ पे दोनों टाइप के बच्चे मिलते हैं, एक तो इंग्लिश वाले भी मिलते हैं और हिंदी वाले मिलते हैं, तो हम मिक्स लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ना तो टोटली हिंदी ना टोटली इंग्लिश, लिखेंगे हम सब कुछ इंग्लिश में, ठीक है ना, और बोलेंगे हम हिंदी में, जिसे हिंदलिश कहते हैं, ठीक है। चलो, तो जीओसी सबसे पहले हम देखते हैं, जीओसी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है ना, ओके। मैं स्पेक्स लगा लेता हूं, ओके ओके। और हम इन्हें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स भी कहते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ पे हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक आपने सुना ही होगा नाम इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। दूसरा हम यहां पे पढ़ेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है ना, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसे हम हिंदी में कहते हैं अनुनाद, ठीक है ना। अरे क्या हुआ, ओके। फिर हम यहां पे पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, इफेक्ट, इसे हम एम से डिनोट करेंगे, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके दैट स्टार्ट, सॉरी। हाँ, तो हम इसमें फिर पढ़ने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, हिंदी में भी मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं इसे, और फिर कुछ इफेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि आई थिंक नीचे कैमरे में नहीं आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना, थोड़ा सा फिर भी पढ़ लेंगे, माइनर इफेक्ट है, और रेजोनेंस हो गया, ठीक है। फिर हम पढ़ लेंगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी,
ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, एरोमेटिकता। ठीक है ना, ये पढ़ लेंगे। और ऐसे मैंने पढ़ने के बाद में मीन्स ये सब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स हो जाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके, फिर जैसे ही ये आपका खत्म होगा, मैं आपको एक बार पूरा स्ट्रक्चर दे देता हूँ जीओसी का, फिर हम इससे बाद में स्टार्ट करेंगे नंबर दो पे। नंबर एक था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नंबर दो पे आपका आएगा इंटरमीडिएट्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मीन्स अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती, अगर हम हिंदी की बात करें, कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये क्षणिक मध्यवर्ती भी हम कहते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं। ठीक है, ओके, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इनमें जितनी रिएक्शन इनके आते हैं वो रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम इनके अंदर। ठीक है ना, इनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शन है, और फिर रिएक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, उन रिएक्शन को। फिर रेडिकल, फिर रेडिकल से बाद में पढ़ेंगे कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ना? तो ये सब हम यहाँ पे इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे, उनके इनसे जितने भी रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही इंटरमीडिएट्स खत्म होगा, हम थर्ड पार्ट में स्टार्ट करने वाले हैं फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। और काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का, जैसे कि आपने देखा भी होगा यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं बहुत अच्छे से पूछा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म, काफी इंपॉर्टेंट भी है ऑर्गेनिक के लिए। तो हम यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सभी रिएक्शंस का मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो बाद में देख लेंगे। जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होगा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होती है, हम स्टीरियो स्टार्ट करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टीरियो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, मीन्स हमें इसके साथ काफी फैमिलियर होना चाहिए। ठीक है ना, तो फील आना चाहिए, फील के साथ हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा टफ लगती है लोगों को, लेकिन ये वो टफ नहीं होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, बट अगर आपको बेसिक्स आता है, अगर आप चीजें ठीक से कर रहे हो, अगर आप उसे फील के साथ कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको वहां पे बिल्कुल फील लेके तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री हम सब करेंगे बेसिक टू एडवांस। ठीक है ना, और फिर क्वेश्चंस की जो स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी वो सभी वहां पे हम देखेंगे। ठीक है ना, ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री भी इसमें पढ़ लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे आपका जीओसी खत्म हो जाएगा, जो भी इसमें कुछ चीजें बचेगी छोटी मोटी वो सब हम यहीं पे करा देंगे। ठीक है ना, ओके, जैसे ही जीओसी खत्म होगा हम उधर एक क्लास उधर स्टार्ट कर देंगे, मेन रिएक्शन वगैरह। ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है, ठीक है ना, तो मेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे और उधर रिएक्शन रिएजेंट्स स्टार्ट कर देंगे। रिएजेंट्स जाने दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, रिएजेंट्स और मेन रिएक्शन जाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर आपके रीअरेंजमेंट्स होंगे। ऐसे सब कुछ आपका चलेगा। ठीक है ना, हम एक साइड से लेके और बहुत बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ये सब होगा, ओके। फिर यहां पे आपकी जो हेटरोसाइक्लिक है वो करेंगे, ठीक है ना, सब कुछ करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, और वहां पे फिर आपका उधर प्रोटीन करेंगे, डीएनए वगैरह सब कुछ करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, जो आपकी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, उसमें जो सबसे पहला इफेक्ट है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो, ठीक है ना। और काफी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, काफी काम आने वाली है। छोटी छोटी चीजें हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं, यहाँ पे कुछ बेसिक्स, आप बेसिक जो है आपका, अब आपने मास्टर किया है, ठीक है ना, मास्टर करके कुछ लोग आगे नेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो बेसिक है वो धुंधला हो चुका होता है, बिना बेसिक के हम कुछ नहीं कर पाते। तो हम क्या करेंगे, उसे ब्रशअप करेंगे, ठीक है ना। और ब्रशअप करने के बाद में फिर अच्छे से वहां पे नींव रखेंगे, फिर अच्छे से बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम चीजों को। ओके, तो हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। हिंदी में कहते हैं जिसे प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। तो देख लेते क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है। ओके, यहां पे आओ, लेट्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पे फिजन बता देता हूं। फिजन क्या होता है, फिजन जिसे हम हिंदी में कहते हैं विदलन। यहाँ पे जो हम फिजन पढ़ने वाले हैं वो बॉन्ड का फिजन पढ़ने वाले हैं, यानी कि बंध में किस टाइप से फिजन होता है। तो देखो, फिजन से ही फिर हम वहां पे आएंगे। तो फिजन जनरली दो टाइप का होता है, आपने वैसे पढ़ा भी होगा। एक होता है होमोलेटिक फिजन, ठीक है ना, दूसरा होता है हिट्रोलेटिक फिजन, हिट्रोलेटिक फिजन, ठीक है। क्या होता है होमोलेटिक फिजन और क्या होता है हिट्रोलेटिक फिजन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मान के चलूंगा कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह टर्म्स आपको पता है, ठीक है ना। वैसे तो वो हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां पे वो चीजों भी देखेंगे, जैसे हम पीरियोडिसिटी वगैरह में देखेंगे, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको पता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कोई भी मास्टर्स से नीचे नहीं है, सबको मास्टर्स तो पता है, क्योंकि इस एग्जाम का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मास्टर्स है। तो मास्टर वालों को इतना तो पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। अगर ये बताए तो हम देखते हैं हिट्रोलाइटिक फिजन और होमोलाइटिक फिजन क्या होता है। ध्यान से सुनना, अगर एक मॉलिक्यूल है ए बी, लेट्स से आई हैव अ मॉलिक्यूल ए बी, और ए बी में जो ए और बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, या मैं यहां पे मॉलिक्यूल, आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं ए टू। कौन सा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ए टू। ए टू में जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो इसका होगा, मींस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू विथड्रॉ अ इलेक्ट्रॉन, मींस एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, खींचने की पावर। अगर जनरल भाषा में मैं कहूँ समझाने के तरीके से, तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का इलेक्ट्रॉन खींचने, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करें, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जो खींचने की पावर होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे जो इनके बीच का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा, हम यहाँ पे बात करें कोवलेंट बॉन्ड से, ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो बिल्कुल बीच में रखा रहेगा, ठीक है ना, ना तो ये से अट्रैक्ट करेगा ना ये बिल्कुल बीच में यहाँ पे रखा रहेगा इस टाइप से। अब ध्यान से सुनो, एक क्या हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है कि ए से कोई जुड़ा है बी, और यहां पे मैं कहता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, जहां पे काई को मैं काई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। हिंदी वालों के लिए विद्युत ऋणात्मकता, ये विद्युत ऋणात्मकता, यहां पे मैं कह रहा हूं बी की विद्युत ऋणात्मकता ए की विद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा। अब दोनों जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ध्यान से सुनो, जैसे क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, बी इसे अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना। जब बी इसे अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बी की ओर डिस्प्लेस, बी की ओर विस्थापित हो जाएगा, जिससे होगा क्या, ध्यान से सुनो, जिससे होगा क्या, बी के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा और ए के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ले लेता, जैसे आपने आयनिक में देखा होगा इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इसके पास चले जाते हैं, तो ए प्लस बनता है बी माइनस, यहाँ पे तो कम्प्लीटली आयन्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली आयन्स जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं गए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए हैं, जिसके ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आया, ओके। अब ध्यान से सुनो, ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस माइनस आया, इस खींचने वाले जो इफेक्ट है इसे ही हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। यही पे इस केस में क्या होगा, इस केस में जब देखो अभी मैं फिजन पे नहीं आया, अभी मैं फिजन पे नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन बस अपनी ओर थोड़ा खींचेगा। मैं फिजन की बात करूं तो फिजन में होगा क्या, देखो ध्यान से सुनना,
जब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जब ब्रेक होगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इस साइड जाएगा तो ए पे प्लस आएगा बी पे माइनस आएगा, इसे कहते हैं हाइड्रोलेटिक फिजन। वैसे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं हाइड्रोलेटिक फिजन की होगी, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे होगा तो इलेक्ट्रॉन आधा इसके पास आ जाएगा आधा इसके पास जाएगा, जिससे इसके पास फ्री रेडिकल बनेगा इसके पास फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी हम फिजन की बात करते नहीं है, छोड़ो फिजन को छोड़ो, बस आप इतना समझ लो फिजन की तो यहाँ पे जरूरत नहीं। आप इतना समझ लो अगर ए बी कोई मॉलिक्यूल है और उसमें बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आएगा इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। इसी प्रॉपर्टी को इसी इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन के खींचने के इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। अब आप ये कहोगे क्या जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वही इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है क्या वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं दो टाइप के, ध्यान से सुनना भी। जैसे कि मैं कह दूं कार्बन है मेरे पास कोई कंपाउंड या CH3X है मेरे पास जिसे आप मिथाइल हैलाइड है कोई भी यहाँ पे हैलाइड एक्स यहाँ पे एफ हो सकता है सीएल हो सकता है बीआर हो सकता है आई हो सकता है। तो देखो इसमें अगर बात करूं तो सी से तीन एच इस टाइप से जुड़े हैं और एक एस जुड़ा है। अगर आप इस बॉन्ड की बात करो तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कम तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चल जाएंगे इसकी स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा इसकी स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई वाई एटम जुड़ा हो और इस वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, मीन्स यहाँ पे कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींच लेगा और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ध्यान से सुनो इस वाले में कार्बन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस वाले में एक्स क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, या मैं कहूँ इसमें जो वाई है वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है या यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ध्यान दो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट विद्रो करने की या खींचने की जो टेंडेंसी है और जो पुश करने की टेंडेंसी है उसके बेस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट एक को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। ध्यान सुनो नहीं, एक को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट और एक को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब देख लेते हैं क्या होता है प्लस आई इफेक्ट क्या होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के अंतर्गत वो ग्रुप्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। यहां पे वो ग्रुप्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, रिपेलिंग ग्रुप, रिपेलिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं वो प्लस आई इफेक्ट, जो एक्सेप्ट करते हैं वो माइनस आई इफेक्ट, या जो अट्रैक्ट करते हैं आप यहाँ पे अट्रैक्टिंग लिख दे दो अट्रैक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना, वो प्लस आई इफेक्ट। तो दो टाइप के होते हैं, समझ में आए, ओके। अब ध्यान सुनो अब कौन होगा प्लस आई कौन होगा माइनस आई, मैं एक जनरल बात कहता हूं, इन जनरल हमेशा ये ट्रू नहीं है बट इन जनरल मोस्टली आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है चीज। देखो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं जैसे कि CH3, CH2CH3, CH CH3 का 2 CH3 का 3, कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर आपके पास है तो वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मींस मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स क्या दिखाते हैं माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट। वैसे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कौन प्लस आई और कौन माइनस आई, समझ में आया। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाते हैं माइनस आई इफेक्ट और सारे एल्काइल ग्रुप क्या दिखाते हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, समझ में आ रहा है। दूसरा ध्यान से सुना अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, देखो अगर किसी के ऊपर माइनस साइन है तो ध्यान से सुना किसी ग्रुप के ऊपर माइनस साइन है, माइनस का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्या करेगा रिपेल करेगा, तो ये प्लस आई इफेक्ट में आएगा। जिसके ऊपर प्लस होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये माइनस आई इफेक्ट होगा, समझ में आया, ओके। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना कहीं पे ऐसा आ सकता है कि CH3 आ गया
एक ही कंपाउंड में और CH2CH3 आ गया। आपको दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, कौन माइनस आई इफेक्ट, वो सॉरी कौन प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा, कौन कम दिखाएगा, इनमें कंपैरिजन करना आ सकता है ना। तो ध्यान से सुनना, जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उतना आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजिंग द आई इफेक्ट, ठीक है ना। अगर इन दोनों में आपसे पूछूं, इन दोनों में आपसे पूछूं तो किसमें आई इफेक्ट ज्यादा है, इसमें कार्बन एटम 2 और 1 3 कार्बन एटम्स है, इसमें 3 और 1 4 कार्बन एटम है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट इससे ज्यादा होगा। समझना, चलो अगर कोई कंपाउंड इस टाइप से आ रहा, ध्यान सुनो, CH2X इस टाइप से कुछ, और एक है CH3 मान लीजिए दो कंपाउंड है, देखो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 3 है। अब नंबर ऑफ कार्बन दोनों में 3-3 है, तो हम कैसे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा देगा कौन सा कम देगा। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना जो ब्रांच वाले होते हैं, जो ब्रांच वाले एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो उनका मोर इंडक्टिव, मोर प्लस आई इफेक्ट होता है देन लीनियर, लीनियर वालों से इनका ज्यादा होता है ब्रांच वालों का। समझ में आया, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पे कुछ सीरीज लिख लेते हैं, एक प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की सीरीज लिख लेते हैं और उसे हम याद कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, उसमें काफी फायदेमंद होती है ये सीरीज। अगर आपने ये सीरीज अच्छे से याद कर ली तो आपका काफी फायदा करेगी ये सीरीज, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन हम ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ जाता है दो ग्रुप्स के बीच में कि कौन सा ज्यादा आई इफेक्ट दिखाता है, कौन सा कम आई इफेक्ट दिखाता है, तो उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, पहले हम लिख लेते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के लिए सीरीज लिख लेते हैं। ध्यान से देखना, देखो जो मिथाइल ग्रुप होता है CH3, इसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होता है, उससे बाद में होता है CH2CH3। देखो यहाँ पे कार्बन एटम बढ़िए तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट इससे ज्यादा होता है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इससे ज्यादा होता है। इससे अगर मैं बाद में बात करूं तो CH3 का 2i, CH3 का 2i, दिस वे, ठीक है ना, CH3 का 2i, ये आ गया आपका सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आ गया। इससे बाद में क्या आएगा, CH3 का थ्राइस, देखो ये आपका मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, या प्राइमरी एल्काइल हो गया ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो गया, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। इससे बाद में अगर मैं बात करूं तो COO- का इफेक्ट होता है इससे बाद में, और इससे बाद में O- का इफेक्ट होता है, ठीक है। इससे बाद में होता है NH-, और इससे बाद में होता है आपका सबसे बाद में CH2-, मीन्स सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव, जो प्लस आई इफेक्ट है वो CH2- का होता है, ठीक है। उससे कम NH-, देन O-, देन COO-, देन टर्शियरी एल्काइल, देन सेकेंडरी एल्काइल, देन प्राइमरी एल्काइल, देन CH3, ठीक है। तो ये प्लस आई ग्रुप्स है कुछ, जिनका ये आपका ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे, इसे आप याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है। मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, COO-, O-, NH-, देन CH2-, ठीक है ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, समझ में आ गई, ठीक है। ओके, इसके नीचे हम लिख लेते हैं माइनस आई का, आप इसे उतार लेना अच्छे से कॉपी में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब माइनस आई का देखेंगे तो सबसे पहले आएगा NF3, तीन F जुड़े हुए हैं, NF3+, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा होता है NR3, R तीन एल्काइल ग्रुप लगे हैं प्लस, देन होता है NH3। तो देखो याद करने का यहाँ पे इनका तरीका है, सबसे पहले NF3 तीन एफ लगे, फिर तीन आर लगे, फिर तीन एच लगे, ठीक है ना। उससे बाद में होता है NO2, उससे बाद में होता है CN-। ध्यान से देखो, सबसे पहले NF3, NR3, NH3, फिर NO2, फिर CN, समझ में आया। फिर होता है एल्डिहाइड ग्रुप, COH, फिर होता है COR, फिर होता है COOH। तो देखो ये भी काफी सिंपल है, सबसे पहले एल्डिहाइड, एक H लगाया, फिर यहाँ पे एक R लगाया, फिर यहाँ पे एक OH लगाया, समझ में आया। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इससे बाद में आएगा आपका फ्लोराइड, F आएगा, फिर CL आएगा, फिर BR आएगा, और फिर I आएगा, मीन्स
यहाँ पे आएंगे आपके हैलोजन्स। हैलोजन्स भी देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि सबसे ज्यादा माइनस साइड इफेक्ट इसका होगा ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपको पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मीन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा। तो समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा आई इफेक्ट। कोई दिक्कत? इसके बाद में आएगा जी ओ आर, फिर आएगा ओ एच, फिर आएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। देखो पहले आया ओ आर, फिर आया ओ एच, और फिर आया आपका एल्काइल, एल्काइल सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है ना। यह इससे बाद में आएगा एन एच टू, इससे बाद में आएगा पी एच ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ठीक है ना, एन एच टू, फिर आया फिनाइल ग्रुप। उसके बाद में आएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है ना, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी आएगा, और सबसे बाद में आएगा एच। ये होगा आपका माइनस आई इफेक्ट का। कैमरे में आ रहा है क्या? हाँ, परफेक्ट। तो सबसे पहले एन एफ थ्री, फिर एन आर थ्री, फिर एन एच थ्री, एन ओ टू, सी एन, एल्डिहाइड, सी ओ आर, सी ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर इसके बाद में आएगा हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आएगा ओ आर, ओ एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एन एच टू, फिनाइल ग्रुप, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, एंड देन एच। सबसे कम होगा एच का, और ना के बराबर ही होता है एच का माइनस आई इफेक्ट। तो ये सब होते हैं, याद रखना पीएच का इफेक्ट होता है माइनस आई। इसमें बहुत लोग दिक्कत आती है उनको कि इसका माइनस आई होता है कि प्लस आई, तो इसका होता है इफेक्ट माइनस आई, कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो आप देख लो एक बार से, समझ में आ रहा है। तो यहां तक हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना, और फिर हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप को प्लस आई कहते हैं, एक्सेप्टिंग ग्रुप को माइनस आई कहते हैं। हमने देखा प्लस आई की सीरीज देखी और माइनस आई की सीरीज देखी। इस सीरीज को आपको याद कर लेना है, आपसे कोई भी क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूं आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, पोज करके आप यहां से नोट कर लेंगे इसे, क्योंकि नोट्स बनाना काफी परम आवश्यक है, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है ना। एक एक चीज जो जो मैं बता रहा हूं आप उसका नोट्स, चाहे मैं बता रहा हूं या आप और कहीं से पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा क्या करोगे, नोट्स बनाते चलोगे, छोटी छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, ठीक है ना। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। इससे बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। अब हमने पूरा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। Applications of inductive effect. Inductive effect की applications देख लेते हैं कुछ, और इसकी application से ही question आते हैं, बहुत सारे applications है इसके, बहुत important effect है। तो सबसे पहली जो application है number एक, वो है आपकी acidity of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ऑर्डर हमें डिफाइन करना है इसके बेस पे, डिटरमाइन करना है इसके बेस पे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड देखूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आपको पता है सी डबल ओ एच ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कोई एसिड कैसे पता लगता है कि वो एसिड है? एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो एच प्लस देते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये एच प्लस आप क्या करो, इससे एक एच प्लस निकाल दो। एच प्लस जब यहां से निकलेगा तो ध्यान से देखो क्या होगा, अगर आप इसे ऐसे लिखो, यहां से जब H+ निकलेगा तो यही ऐसे इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा R C डबल O माइनस, सुन में है ना। ओके, तो यहां पे एक एनायन स्पीसी बनेगी, क्या बनेगी, एनायन स्पीसी। अब आपको देखना है कुछ कंपाउंड्स हम लेंगे और वहां पे हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, तो वो हम देखेंगे, किस बेसिस पे देखेंगे वो भी हम देखते हैं। तो देखो जी, मैं कई बार कहता हूँ, बहुत बार मैं जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री का जो भी चीज है, कुछ भी अगर वर्ल्ड में है, तो सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड होती है, क्यों होती है, कोई प्रोसेस क्यों होता है, प्रोसेस होता है, सब प्रोसेस होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। बिना स्टेबिलिटी के कोई भी चीज नहीं होती, मीन्स जो भी प्रोसेस हो रहा है नेचुरली, जो मैं बात करूं नेचुरली प्रोसेस की, नेचुरली जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सब होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, मीन्स सबको स्टेबिलिटी गेन करनी है। जो भी यहाँ पे रिएक्शंस कराए जाते हैं वो सब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कराई जाती है। बॉन्डिंग हो रही है वो भी स्टेबिलिटी के लिए हो रही है, किसी का ब्रेक हो रहा है, कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो भी स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, तो सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए होता है। अब ध्यान से देखना,
अगर यहाँ पे एसिड बन रहा है, अगर यहाँ पे ये मुझे एसिड डी कैरेक्टर इसका दिखाना है, तो H प्लस यहाँ से निकलेगा, अगर H प्लस निकलेगा तो ये बनेगा। अब देखो ये बनेगा कब, ये एसिडिक कब होगा, अच्छा एसिड कब होगा, जब ये H प्लस आसानी से दे देगा। H प्लस आसानी से कब देगा, जो इसके द्वारा बनाई हुई स्पीसी है, जो इसने स्पीसी H प्लस निकलने के बाद बनाई है, वो अगर स्टेबल है तो ही H प्लस अच्छे से निकलेगा। अब देखो केमिस्ट्री में एक बात याद रखना, जो स्टेटिक चार्ज होते हैं, स्टेटिक चार्ज मतलब रुके हुए जो चार्ज होते हैं, रुके हुए जो आयन होते हैं, या जो रुका हुआ जो आवेश होता है, वो कंपाउंड को हमेशा अस्थाई करता है। क्या करता है, रुके हुए कंपाउंड को क्या करते हैं, अनस्टेबल करते हैं। अनस्टेबल यानी कि रुके हुए आवेश हमेशा अनस्टेबल होते हैं, अस्थाई होते हैं, ठीक है ना। तो हमें कभी भी किसी भी चीज पे अगर कहीं पे स्टेटिक चार्ज दिखाए, या वो माइनस हो या वो प्लस हो, तो वो स्पीसी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसे मुझे स्टेबल करना है, तो स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस क्यों है, माइनस इसलिए क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां से खींच लूं, अगर मैं यहां से किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन खींच लूं, तो इलेक्ट्रॉन खींचने से नेगेटिव चार्ज यहां से कम होगा, नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतनी स्पीसी क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है ना। या मैं कहूं चार्ज को मैं इधर से यहां पे मूव कर रहा हूं, इधर मूव कर रहा हूं या खींच रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को जो स्टैटिक चार्ज था उसे मूवमेंट दे रहा हूं, तो क्या होगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। और किससे हो सकता है, मैं किस इफेक्ट से यहां से इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूं, वो होता है जी आपका माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा है, क्या होता है माइनस आई इफेक्ट। अगर मैं यहां पे कोई माइनस आई ग्रुप लगा दूं, तो वो माइनस आई यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे स्टेबिलिटी आएगी। तो सीधी सी बात है, अगर माइनस आई ग्रुप इधर लगा होगा तो वो इसे स्टेबिलिटी देगा, मींस एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब माइनस आई ग्रुप लगा होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं प्लस आर ग्रुप लगा दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सिस बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसकी अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगी, मींस ये कम स्टेबल होगा, तो वहां पे एसिडिटी डिक्रीज होगी। मींस आप ऐसा कह सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट के साथ एसिडिटी एसिडिटी डिक्रीज होती है, और माइनस आई इफेक्ट के साथ एसिडिटी बढ़ती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का, अब हम यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं कुछ, और फिर हम चलेंगे आगे। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन ये है कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, HCOOH जो फॉर्मिक एसिड है, और मैं ले लेता हूं CH3 COOH एसिटिक एसिड, और एक ले लेता हूं मैं CH3 CH2 COOH प्रोपियनोइक एसिड। ठीक है ना, प्रोपियनोइक एसिड। तो अगर मैं तीनों एसिड ले लूं, इसमें पूछा जाए कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियनोइक एसिड में स्टेबल एसिड कौन है, या सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, या इनकी एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो या इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ध्यान में रखना ये सब H प्लस लूज करने के बाद में एसिड कब होता है, जब H प्लस को लूज करते हैं, H प्लस लूज करने के बाद में बनाएंगे HCOO-, ये बनाएगा CH3COO-, ये बनाएगा CH3CH2COO-, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान से देखो, अगर इन तीनों की बात करूं तो ये स्पीसी क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि माइनस चार्ज आ रहा है। स्टेबल कब होगी, जब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। लेकिन आप देखोगे इस वाले में एक ग्रुप लगाया है इससे CH3CH2, यानी कि प्लस आई इफेक्ट लगा, यहाँ पे भी एक प्लस आई इफेक्ट लगा है, और यहाँ पे कोई ना तो प्लस आई इफेक्ट लगा है ना कोई माइनस, बल्कि थोड़ा सा एस थोड़ा सा माइनस आई ही देता है, ठीक है ना, लेकिन वो आपका नेग्लिजिबल होता है। तो एक दो प्लस आई इफेक्ट लगे, अगर इन प्लस आई इफेक्ट में मैं देखूं कौन सा बड़ा प्लस आई इफेक्ट है, इन दोनों में बड़ा प्लस आई इफेक्ट कौन है, तो वो आप बताओ, बोलो बोलो। तो देखो मैंने आपको बताया था जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे उतना इफेक्ट बढ़ेगा, तो ये आई इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा, ये आई इफेक्ट थोड़ा कम होगा, तो प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो ये कम एसिडिक होगा, ये उससे ज्यादा एसिडिक होगा, और ये सॉरी ये सबसे कम एसिडिक होगा, ये उससे ज्यादा एसिडिक होगा, और ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे कैसे बताते हैं, ध्यान से देखना, कुछ लोग ऐसे बताते हैं जैसे कि मैं कहूँ CH3COOH ये कहूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे कोई लेट में लगाता हूँ CH3CH3COOH, और यहाँ पे कोई लगा देता हूँ माइनस आई ग्रुप, तो कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे
कि जब यहाँ पे माइनस आई लगा होगा तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन खींचता है तो जो यहाँ पे बॉन्ड है इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो बॉन्ड वीक हो जाता है, ऐसे ऐसे चल जाता है। बट ये कंसेप्ट लग रहा है ठीक है, लेकिन ये ठीक कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट ठीक यही है, ये वाला, ये ठीक कंसेप्ट नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एच उड़ जाएगा। ठीक है, ये कोई पाइप तो नहीं, यहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये उड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है पूरा कंसेप्ट, कोई दिक्कत आप बता दोगे। तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन तीनों में, और फिर ये उससे वीक होता है और ये उससे वीक होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो और लेते हैं हम एग्जांपल्स। अब तो बस हमें एग्जांपल्स एग्जांपल्स करने हैं। अब करना इस क्वेश्चन को CH3CH2COOH पोज करके करना, और एक हम करते हैं F या कुछ भी CL लगा देते हैं, CH2CH2COOH। ये दो कंपाउंड है A B, आपको बताना है इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड, मींस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड नहीं कहते हैं, कहते हैं ज्यादा एसिडिटी किसकी है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो कोई सा भी नहीं है, दोनों वीक एसिड ही। ठीक है ना, तो ज्यादा एसिडिक कौन है ध्यान से देखो, इसमें ये लगाया एक प्लस आई इफेक्ट, इसमें लगा एक माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे आप CH2 देख रहे हो, ये थोड़ा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन ये माइनस आई प्लस आई के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, तो जिससे यहाँ पे ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट होगा और उसमें प्लस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। ठीक है ना, जब CW माइनस बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा बी, और उससे कम एसिडिक होगा आपका ए। ओके, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। CWOH यहां पे मैं लगाता हूं एक ग्रुप NO2 और यहां पे मैं एक ग्रुप लगाता हूं Cl, इसे ए कह देता हूं, इसे बी कह देता हूं। बताओ जी, इनमें से इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो देखो, जैसे मैं यहां से H निकालूंगा, CWOH निकालूंगा, CWOH ये बनेगा, इसमें आप देख रहे होगे एक माइनस आई इफेक्ट लगा है, इसमें भी एक माइनस आई लगा है, और इसमें जो माइनस आई लगा है वो दो कार्बन बाद में लगा है, इसमें भी दो कार्बन बाद में लगा है, तो माइनस आई सेम जगह लगा है। तो अब कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे इनमें से कौन ज्यादा माइनस आई है। तो उसके लिए मैंने आपको सीरीज लिखवाई थी, और सीरीज में आपने देखा भी था NO2 का आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा था Cl से, NO2 का माइनस आई इफेक्ट क्या था, Cl से ज्यादा था। तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक होगा A, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कोई दिक्कत? तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि देखो, ध्यान से देखो, इसमें भी CWH से अलग, इसमें भी तीन कार्बन है और इसमें भी तीन कार्बन है, इसमें जो माइनस आई ग्रुप लगा है इसमें भी सेम माइनस आई ग्रुप लगा है। तो हम अब यहां पे क्या देखेंगे, ध्यान से देखा, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, नोट करके लिख लो, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता है उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है, चाहे वो प्लस आई हो या वो माइनस आई हो। मींस अगर मैं एक आई इफेक्ट को चार कार्बन बाद में लगा रहा हूँ, एक आई इफेक्ट को एक कार्बन बाद में लगा रहा हूँ, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, डिस्टेंस के साथ ये इफेक्ट घटता है। कैसे, मैं देखो पहले बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखो, अगर कार्बन की ये चेन है, ध्यान से सुनो, और कार्बन की चेन पे यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप लगाया और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, एक्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये इफेक्ट थोड़ा यहीं पे खत्म नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी खींचेंगे, बेशक यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे जितने यहाँ से खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो उस चार्ज से कम होगा, इसलिए मैंने डबल डेल्टा लगाया। और इससे जो इससे भी खींचेगा कुछ तो इस पे आएगा डेल्टा डेल्टा प्लस, मींस इस पे कम और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें तीन कार्बन तक चल रहा है। देखो अब कितने कार्बन तक चलेगा, क्वेश्चन ये कि कितने कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो जनरली माना जाता है कि तीन कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो आपने देखा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पहले कार्बन पे ज्यादा है, दूसरे पे उससे कम है, तीसरे पे उससे कम है। मींस इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ता है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का जो पावर है वो डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट वो दूसरे कार्बन पे लगा है। अगर मैं यहां से देखूं अल्फा बीटा, बीटा कार्बन पे और यहाँ पे अल्फा बीटा कम, इस तीसरे कार्बन पे लगा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो पावर है वो कम होगा और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का पावर ज्यादा होगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये, और ये होगा कम एसिडिक। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर टू। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम बाद में और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट होगा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल की एसिडिटी देख लेते हैं ध्यान से। देखो एल्कोहल क्या होते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप जिनमें होता है, तो ये एल्कोहल होते हैं। देखो अब जब एल्कोहल की एसिडिटी देखेंगे, एसिडिटी क्या होगा, माइनस एच प्लस निकलेगा, यहां से एच प्लस निकलेगा तो बनेगा क्या, आर ओ माइनस। फिर से ओ के ऊपर स्टेटिक माइनस चार्ज है जो अनस्टेबल होगा, इसे स्टेबल करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे। तो वही अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो वो एसिडिटी बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट होगा तो वो एसिडिटी डिक्रीज करेगा। सेम होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता था, ठीक है। यहीं पे आप एग्जांपल ले लो सी एस थ्री ओ एच और सी एस थ्री सी एच टू ओ एच। ध्यान से देखो इसमें भी प्लस आई इफेक्ट लगा है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट लगा है, लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट इससे ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, ये कम अनस्टेबलाइज, मीन्स ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा, समझ आ रहा है। और देख लो ब्रांच वाला ले लो आप एक सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, और यहाँ पे ले लो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ एच। इसमें भी तीन कार्बन, इसमें भी तीन कार्बन, लेकिन ये ब्रांच वाला है, मैंने बताया ब्रांच वाले का जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, ये कम अनस्टेबलाइज करेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। समझ आ रहा है कुछ? चलो एक चीज और देख लेते हैं, इसमें नोट करके एक चीज और लिख लो, नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस जो नए लोग हैं यहाँ पे वो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आने वाले हैं यूपी पीजीटी के लिए, ठीक है ना। और ये ओनली यूपी पीजीटी के लिए ही नहीं है, ओनली यूपी पीजीटी, वैसे हमने पीजीटी के लिए बैच चलाया, लेकिन ये ओनली यूपी पीजीटी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी एग्जाम्स जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आई टी जे नीट हो या आपका कोई भी अदर एग्जाम, डीयू हो, जेएनयू का कोई एग्जाम हो, आईसर का एग्जाम हो, या आपका नेट वगैरह में भी काफी इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है ना। और मैं बात करूं जो लाइफ साइंस का हमने जो बैच लाया था उनके लिए, हाँ उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ साइंस वालों के लिए जो गेट का एग्जाम है, एक्सेल वालों के लिए, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी इस वीडियो को देखें, और 11th 12th के लिए तो ये वरदान ही है, 11th 12th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस बैच को इसे सभी देख सकते हैं, कोई ये ऐसा नहीं है कि किसी से ज्यादा एडवांस होगा या ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हम यहाँ पे काफी बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। हाँ तो यहाँ पे आ जाते हैं, चलो उससे पहले चलो नोट देख लेते हैं क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं मेरे पास एक कंपाउंड है, ध्यान से देखना, FCH2COOH, एक कंपाउंड है मेरे पास ClCH2COOH, एक है BrCH2COOH, एक है I2CHCOOH। ध्यान से देखना नहीं, देखो इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका होगा, उससे कम माइनस आई इफेक्ट Cl का होगा, उससे कम माइनस आई इफेक्ट इसका होगा, और उससे कम माइनस आई इफेक्ट I का होता है, आयोडीन का, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट F का होता है। अब ध्यान से देखना, अगर इसका ये ऐसे होता क्वेश्चन, मीन्स यहाँ पे एक एफ लगाए, एक सी एल, एक बी आर, एक आई, ऐसे लगाए तो ऑर्डर क्या हो जाता है, ये ऑर्डर हो जाता है, समझ आ रहा है।
लेकिन अगर मैं कह दूं यहां पे लगा है आई टू, तो ध्यान से देखना जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड आ जाएगा यहां पे सबसे पहले ही आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला ध्यान से देखना, अगर इसमें ही क्या होता, ये आपका दो टू ना होता और ये टू होता तो ये पहले आ जाता और आई वाला वहीं पे रहता। समझ में आ रहा है? तो मींस क्या है ध्यान से देखना, मींस क्या है यहां पे अभी लिखवाता हूं आपको, नोट में क्या लिखना ध्यान से देखना। अगर अगर किसी भी हैलाइड में, अगर किसी भी हैलाइड की संख्या में बढ़ा रहा हूं, अगर किसी भी हैलाइड की संख्या मैं किसी कंपाउंड में बढ़ा रहा हूं तो उसकी उसकी जो एसिडिटी हो जाती है वो सबसे ज्यादा हो जाती है, मींस वो जो हो जाता है वो सबसे स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, अगर आप किसी भी कंपाउंड में लिख लो, अगर आप किसी भी कंपाउंड में कोई भी हैलाइड, चाहे वो हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम क्यों ना हो, माइनस आई इफेक्ट सबसे कम क्यों ना हो, अगर वो नंबर्स में बढ़ता है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है, उसका स्टेबिलिटी सबसे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल करता है। कोई दिक्कत समझ में आया जी यहां तक? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल अच्छे से आया होगा। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में लिखना। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, आई थिंक नंबर फोर, नंबर फोर है ना, नंबर थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इस प्रॉपर्टी को लेके सभी स्टूडेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ फिर से, जो बीएससी लेवल वाले हैं, ट्वेल्थ वाले हैं, उनके मन में काफी कंफ्यूजन रहता है इसे लेके। ठीक है ना, तो हम देखते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से सुनना, नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, एमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं काफी कंफ्यूजन होता है इसमें, तो इसे आप क्लियर कर लेना अपना। ठीक है ना, इस कंफ्यूजन को अच्छे से क्लियर कर लेना। और फिर से कह रहा हूं ये बैच भाई साहब ओनली पीजीटी के लिए नहीं है, पीजीटी के लिए तो है ही, बट ट्वेल्थ हुआ, इलेवेंथ ट्वेल्थ और आपका बीएससी एमएससी नेट जेआरएफ आपका गेट और आईटी जेई नीट और क्या क्या बताऊं डीयू जेएनयू आईसर और कोई भी केमिस्ट्री का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो लाइफ साइंस वालों को बता रहा हूँ फिर से, जो लाइफ साइंस वालों को गेट का एग्जाम होता है उसके लिए भी ये वरदान है। तो आपको ये अच्छे से, इसे कोई भी देख सकता है इस लेक्चर को। ठीक है ना, समझ आ रहा है? चलो, इलेवंथ से लेके और इनफाइनाइट तक कोई भी इस लेक्चर को देख सकता है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस मैं देखता हूँ दो टाइप से, दो टाइप से बेसिसिटी ऑफ एमाइंस देखता हूं मैं। एक देखता हूं मैं गैसियस स्टेट में, इन गैसियस स्टेट, और दूसरा देखता हूं मैं इन एक्वस स्टेट या इन लिक्विड्स, हाँ एक्वस लिक्विड, एक्वस स्टेट मींस एक्वस स्टेट में और दूसरा गैसियस स्टेट में। क्या होता है, दोनों में जो आपका बेसिसिटी होता है वो अलग अलग होता है, और ध्यान से देखना भी। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस क्या होता है, कैसे एमाइंस बेसिक होते हैं। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी लुईस एसिड बेस, ठीक है ना, तो वहीं से ही कंसेप्ट है। ध्यान से देखो, अगर मैं एमाइंस लिखूं यहां पे तो एमाइंस किसके डेरिवेटिव है, एमाइंस डेरिवेटिव है NH3 के, अमोनिया गैस के डेरिवेटिव है। अमोनिया गैस की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे नाइट्रोजन के पास, अगर मैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में बात करूं तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना लेते हैं और एक बच जाता है लोन पेयर, तो ये बन जाता है आपका NH3। अब अगर NH3 में मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, किसको रिमूव कर दूं, हाइड्रोजन को, अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो बनेगा RNH2, क्या बनेगा RNH2, ये हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। अगर मैं 2H को रिप्लेस कर दूं R2NH तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं 3H को, तीनों H को रिप्लेस कर दूं तो बन जाएगा R3N, ये होगा आपका टर्सरी अमाइन। क्या होगा आपका टर्सरी अमाइन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। अब ध्यान से देखो, अब हम देखते हैं एसिड इनकी बेसिसिटी। तो जनरली देखो ये सब क्या है, लुईस बेस है। लुईस बेस क्या होता है, जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, ये लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा किसी को भी दे सकते हैं, लुईस एसिड को देके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो कितना कैसे पता लगेगा कि ज्यादा बेसिक है, तो वो एमाइन ज्यादा बेसिक होगा जिसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होगा, मींस जो लोन पेयर को जल्दी देगा या ज्यादा देगा वही कहलाता है ज्यादा बेसिक एमाइन। तो यहां पे देखना,
अगर मैं बात करूं किसी अमाइन पे लगा है प्लस आई इफेक्ट, क्या लगा है प्लस आई इफेक्ट, तो ध्यान से देखना ज्यादा बेसिक कब होगा, जब उस पे परसेंट जो लोन पे है वो ज्यादा अवेलेबल हो, ज्यादा अवेलेबल क्या हो कब होगा, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा कौन, प्लस आई इफेक्ट, मींस जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होगा उतना ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी, सीधी सी बात ही है। तो आप अगर इन तीनों में देखो तो इसमें तीन प्लस आई इफेक्ट लगे हैं, इसमें दो लगे हैं, इसमें एक लगा है, इसमें एक भी नहीं लगा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, उससे कम बेसिक ये होगा, उससे कम बेसिक ये होगा, लेकिन लेकिन ये यहां तक बात अभी खत्म नहीं होती। ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है गैसियस स्टेट का, जब आपका रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रहा हो, अगर गैसियस स्टेट में पूछे तो ये आपका ऑर्डर होगा NH3 सबसे कम बेसिक होगा, प्राइमरी उससे ज्यादा होगा, सेकेंडरी उससे ज्यादा होगा और टर्शरी उससे ज्यादा होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, इससे बाद में हम आते हैं एक्वस स्टेट पे, और एक्वस स्टेट का आपका थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है ना, उसमें दो तीन कंसेप्ट आएंगे, आपको वो कंसेप्ट देखने होंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करें, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इन एक्वस फेज। तो एक्वस फेज में कुछ कंसेप्ट आते हैं, उन कंसेप्ट में सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है सोल्वेशन। क्या है सबसे पहला कंसेप्ट, सोल्वेशन। ध्यान से सुनो, अगर कोई एमाइन वाटर के अंदर पड़ा है, अगर कोई एमाइन वाटर के अंदर पड़ा है, वाटर के अंदर पड़ा है, वाटर के अंदर पड़ा है कोई एमाइन, तो होगा क्या सबसे पहले, सबसे पहले होगा वहां पे जो यहाँ पे लोन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर के पास ये आप देख रहे हो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से एक एच को ले लेगा, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले सोल्वेशन स्टार्ट होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर उससे आके वाटर जुड़ेगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सोल्वेशन, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, तो जैसे कि अगर मैं एक एल्काइल प्राइमरी एमीन ले लूं, ये तो सबसे पहले यहाँ पे आके एक एच प्लस जुड़ेगा, ये बनेगा, समझ में आ रहा है, सबसे पहले ये बनेगा, कोई दिक्कत, आप ऐसे ही NH3 में बना लो, ये बनेगा, ऐसे ही आप सेकेंडरी एमाइन में बना लो, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ये बनेगा, ऐसे ही आप टर्शियरी एमाइन में बना लो, मींस सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, वाटर से एच प्लस लेगा और ये आयंस बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अभी वो वाटर में पड़ा है तो वाटर आएगा और यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, मींस वाटर आके यहां से जुड़ जाएगा, जितने भी एच है सबसे वाटर ऐड हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सोल्वेशन, सोल्वेशन होगा, सोल्वेशन सॉरी, इसे हम कहते हैं सोल्वेशन, यहां पे भी सोल्वेशन होगा, इन सबसे क्या होगा, सोल्वेशन होगा, अब ध्यान से सुनते रहना, सोल्वेशन ऐसे होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा सोल्वेशन किसमें हुआ है, सबसे ज्यादा सोल्वेशन हुआ है इसमें NH3 वाले में, अमोनिया गैस में। अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्राइमरी में सोल्वेशन हुआ है, उससे कम सेकेंडरी में और सबसे कम टर्शियरी में। अगर सबसे ज्यादा प्राइमरी में सोल्वेशन हुआ है तो आपको पता है जब सोल्वेशन होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसे आप क्या कहते हो, एनर्जी ऑफ सोल्वेशन, और हाइड्रेशन एनर्जी कह देते हो, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होगा, और इसमें अगर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, ये होगा सोल्वेशन का ऑर्डर। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा NH3, उससे कम प्राइमरी अमीन, उससे कम सेकेंडरी अमीन, उससे कम टर्शियरी अमीन, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, अच्छे से देख लो इसे, ध्यान से क्रिस्टल क्लियर करो एक एक चीज को, समझ में आया, ओके। अब इसमें जो दूसरा फैक्टर होता है उस फैक्टर को हम देख लेते हैं, दूसरा फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान से देखना, स्टेरिक हिंड्रेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब अगर मैं बात करूं NH3, चलो ऐसे बना लेता हूं NH3 और प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, जस्ट वेट अ सेकेंड, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई नहीं, हम अभी थोड़ी देर में करते हैं इसे कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये आपका होगा सेकेंडरी, बात ये बस आपके समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है ना, सेकेंडरी अमीन और फिर होगा आपका टर्शियरी अमीन। ध्यान से देखो,
अगर मैं बात करूं हिंड्रेंस की, हिंड्रेंस क्या होता है? स्ट्रिक हिंड्रेंस मींस क्राउडेडनेस, मींस कितना ज्यादा वहां पे क्राउड है, मींस कितना ज्यादा वहां पे भीड़ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तीन छोटे छोटे एच जुड़े हैं। एच क्या होता है? ज्यादा क्राउडनेस नहीं होता, छोटे छोटे पार्ट, एच का साइज सबसे छोटा होता है ना, तो इसका कोई क्राउडनेस। लेकिन यहाँ पे बात करूं तो एक आर जुड़ गया, यहाँ पे बात करूं तो दो आर जुड़ गए, यहाँ पे बात करूं तो तीन आर जुड़ गए। तो अगर तीन आर जुड़ गए तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है, उससे कम है, ज्यादा क्राउडनेस है यहाँ पे। तो क्या होगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन से डोनेट करने में इसे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ हुई है। अगर आप इसे खोल के लिखोगे और अच्छे से सी एच 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 सी एच 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 सी एच एच एच, तो ये बड़ा सा ग्रुप है, ये भी बड़ा सा ग्रुप है, ये भी बड़ा सा ग्रुप है, तो कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। मीन्स आपका लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी थोड़ी कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा ये डोनेट करेगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, और जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो सबसे ज्यादा NH3, उससे कम प्राइमरी, सेकेंडरी, उससे कम टर्शियरी। मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ये होगा, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा सोल्वेशन का वो भी सेम ही ऑर्डर आ रहा है। समझ में आया? सोल्वेशन में भी सेम ऑर्डर आ रहा है और इसमें भी सेम ऑर्डर आ रहा है। ओके, इन दोनों ऑर्डर को आपको भी याद रखना है। हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझ में आया? ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस में थोड़ा और। यहाँ पे तो हमने बस सिंपल आर माना है। अगर आर की वैल्यू, इफ हम पहला कह रहे थे इफ आर इज इक्वल टू सी एच टू सी एच थ्री, अगर यहाँ पे आर सी एच टू सी एच थ्री हो तब क्या ऑर्डर होगा? अगर R CH2 CH3 होगा तब ऑर्डर होगा सेकेंडरी देन टर्शियरी देन प्राइमरी। मींस सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी सेकेंडरी की, उससे कम होगी टर्शियरी की, उससे कम होगी प्राइमरी की, याद करना है। दूसरा, अगर मैं कहूं R इज इक्वल टू सी एच थ्री हो जाए, क्या हो जाए? सी एच थ्री हो जाए, तब ऑर्डर क्या होगा? तब ऑर्डर होगा सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शियरी, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर होगा किसका? ये ऑर्डर होगा आपका अगर क्या है, अगर आर सी एस थ्री है। तो देखो आपका सोल्वेशन का क्या जो ऑर्डर आया था वो आया था प्राइमरी सेकेंडरी देन टर्शियरी। मैं अभी NH3 को भूल जाता हूं, और यहां पे ऑर्डर आया था प्राइमरी सेकेंडरी देन टर्शियरी। ओके, अब देखो आप, अगर मैं बात करूं तो यहां पे पहले वाले में आपका जो, अगर आप पहले वाले में देखो तो यहां पे डोमिनेट कौन कर रहा है? तो यहां पे डोमिनेट कर रहा है प्लस आई इफेक्ट। मींस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? ध्यान से देखो, अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप इस वाले केस में देखो तो इस वाले केस में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट कर रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करने का मतलब जो टर्शियरी है वो सबसे पीछे चला गया। अब देखो प्राइमरी इससे बाद में क्यों गया? प्राइमरी तो पहले आना चाहिए था, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का मैं सोल्वेशन भी ज्यादा है। लेकिन सबसे सिंपल सी बात ये है, अगर आप इसमें देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में इसका बेसिक सोल्वेशन ज्यादा है, बेशक इसका इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेकिन इसका आई इफेक्ट कम होता है। आई इफेक्ट कम होता है जिसके कारण ये सेकंड पे आ जाता है। यहाँ पे आ लो, यहाँ पे क्या होता है, फिर से वही काम होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी हमेशा पहले आ जाता है दोनों में। अब इसमें प्राइमरी पहले क्यों आया, इसमें टर्शियरी पहले क्यों आया? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका जो आर है, वो जो आर लगे हैं, उन आर का आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, और यहाँ पे आर का स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, जिस कारण से इसमें ऑर्डर हो जाता है 2-3-1, इसमें होता है 2-1-3। आपको ये ऑर्डर याद रखना है, सॉरी इथाइल के लिए सेकेंडरी देन टर्शियरी देन प्राइमरी, इसमें सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शियरी। तो सेकेंडरी का हमेशा ही ज्यादा होता है, प्राइमरी इसमें ज्यादा होता है, इसमें टर्शियरी ज्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगर ये चीजें आपको पता है तो आप बेसिसिटी भी निकाल लोगे, समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो इससे आगे चलते हैं। इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
ओके हम एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बचा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन बचा है, कार्बोएनायन और बाद में बचा है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये तीन प्रॉपर्टी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके साथ हम क्वेश्चंस कर लेंगे। गाइस क्वेश्चन हम यहां पे सभी क्वेश्चन करेंगे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। अगर आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से, तो आप कोई भी अनसोल्ड लास्ट 10 ईयर का ला सकते हो या सोल्ड ला सकते हो। अगर आप देखो तो ये एक सोल्ड मेरे पास पड़ा है, ऐसा आप सोल्ड ला सकते हो, ये सोल्ड मिलता है पीजीटी का, इसमें आपको आपको कोई भी मिले, ठीक है ना, कोई भी मिले तो उसमें जो है सभी एग्जाम दे रखे होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे 2000 से दे रखे हैं और 2000 जो 16 वाला जो 19 में हुआ था वहां तक के सभी एग्जाम इसमें दिए हुए हैं, तो ऐसे आप ला सकते हो और फिर आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको और कोई मिले तो आप वो भी ला सकते हो, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन ढूंढने हैं और फिर उन्हें करना है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर जो लोग यहाँ पे नए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करो, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। अब हम सभी वीडियो कंटिन्यू लाएंगे और मैंने जैसे कि कहा था कि बैच हम 50 स्टूडेंट्स पे कम से कम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी ओनली 18 स्टूडेंट हुए हैं। अगर 18 स्टूडेंट और मैंने फिर भी यहाँ बैच स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर क्या हो रहा है थोड़ा लेट होने लग रहा है, लेकिन आगे आप लोगों का भी थोड़ा बनता है कि आप लोग भी सब्सक्राइब वगैरह करो और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक्टिव रहो। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस।